हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में वापस से। तो आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू तुनवाल की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का, जो है तुनवाल कंपनी की तरफ से आने वाली स्पोर्ट 63 मिनी। तो ये करीबन जो मतलब पूरा हरियाणा कह लो, दिल्ली कह लो, इंडिया कह लो, सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी है। ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी होती है उन सब में से सबसे इलेक्ट्रिक जो है ये सबसे सस्ती स्कूटी है। और इसके फीचर को देखते हुए जो इसका प्राइस है वो काफ़ी कम है। जो जैसे कि आप सबसे पहले आप गौर कर सकते हैं, मोटेवाड़ी एसेसरी कंपनी से ही फिटेड मिलती है आपको इसी प्राइस रेंज में। तो ये अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे देती है इसको, और इसको एक ब्रॉड लुक भी देती है। और जो ये फ्रंट का जो ये स्पेस होता है ये इसको भी ब्रॉड कर देती है। तो जो मतलब ये एसेसरी है ये इसका एक सबसे पहला सबसे अच्छा एडवांटेज है। और अगर हम फ्रंट से देखें तो इसकी लुक भी ज़्यादा इतनी गंदी नहीं है, काफ़ी अच्छी लग रही है। कॉम्पैक्ट साइज में स्कूटी दी गई है, छोटी सी है, सही है। और इसमें फ्रंट में जो लाइट है वो इधर मिलेगी हमको, जो काफ़ी अच्छी है, एलईडी लाइट है जो रात को हमको अच्छी खासी रोशनी प्रोवाइड कर देती है। और ऊपर ये वाइजर में इंडिकेटर मिलेंगे, और इधर ये तुनवाल कंपनी का लोगो और बैजिंग जो कुछ भी है। और इसके जो साइड में है, साइड में अगर हम देखें तो इधर हमको स्पोर्ट 63 का बैज मिलता है, मिनी की वो नहीं है इस पे, बाकी इसका नाम है मिनी। और इधर देखिए, इधर भी तुनवाल का बैज, मतलब जो ब्रांडिंग है उस पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। और इधर भी स्पोर्ट 63 का बैज मिलता है। और जो ये मोटे वाली एसेसरी है इसी में काफ़ी अच्छा फंक्शन है। ये दोनों साइड लेडीज फुटरेस्ट टाइप में ही दे रखा है, मतलब एक बड़ा सा फुटरेस्ट है जो पिलियन को काफ़ी अच्छी कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो सीट है इसकी वो भी अच्छी खासी है, ब्रॉड सीट है, लंबाई भी ठीक ठाक है, मतलब दो जने आराम से बैठ सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इधर हमको गियर देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये जहाँ मान लिख रखा है, इधर हमको स्पीड देखने को मिल जाएगी, इसके नीचे इधर हमको किलोमीटर देखने को मिल जाएंगे, और इधर बैटरी के बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं तो देखिए, स्टार्टिंग में इधर 50 VU जो भी है, 50 वोल्ट है, तो जो वोल्टेज है वो देखने को मिल जाती है हमको। जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी में सबसे ज़्यादा मेन रहती है, मतलब ये बॉक्सेस तो इधर उधर होते रहते हैं लेकिन वोल्टेज जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। इधर देखेंगे, इधर ये आपको लाइट का अपर डिपर देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे इंडिकेटर स्विच, और उसके नीचे फोन, जो सारी स्कूटी में मेन मतलब एक जैसा ही होता है। इधर लाइट का ऑन ऑफ का मिल जाएगा। इधर ये 3 स्पीड गियर, जैसे ये अभी 1 पे है, इधर मीटर में भी आप देख सकते हैं 1, और अब ये 2 पे कर दी मीटर में भी 2, और ये 3। और इसके साइड में एक ये ऑन ऑफ का स्विच, जो जैसे बाइक में इंजन के स्विच होता है। ये 3 स्पीड गियर जो है इसमें, जो मतलब फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे करीबन आपको 25 तक की स्पीड आराम से प्रोवाइड कर देगी, और सेकंड में जो है, सेकंड में ये करीबन 30 से 35 तक की स्पीड प्रोवाइड कर देगी, और जो थर्ड है उसमें 40 से 45 तक की स्पीड आराम से प्रोवाइड कर देगी। जो पावर ट्रेन है, जो मोटर है, वो इसकी करीबन 450 से 500 वाट तक की दी गई है। और जो बैटरी है इसमें, 4 बैटरी में ये हमको मिलती है, 48 वोल्ट में स्कूटी है। लेड एसिड बैटरी है, लिथियम नहीं है, लिथियम में भी आती है वो अलग स्कूटी है। जो लेड एसिड है उसकी 1 साल की वारंटी है, और जो मोटर है उसकी भी 1 साल की वारंटी है, और 2 चीज़ और, जो एक कंट्रोलर है और चार्जर है, इन दोनों की भी 1-1 साल की वारंटी है। और अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमको एक स्पेस दिया गया है, जैसे फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस है ये भी। और जो सारी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आने लगा है आजकल सेंटर लॉक, ये काफ़ी मेन, काफ़ी कॉमन हो चुका है अब सारी इलेक्ट्रिक स्कूटियों में। इसमें हम एक बार आपको करके दिखा दिए, अनलॉक लॉक, और जैसे हमने चाबी अपने हाथ में ले ली और ये स्कूटी ऑन हो चुकी है, अब ये रेंज देने से चलेगी। काफ़ी अच्छा फंक्शन है इलेक्ट्रिक में, पेट्रोल वाले में ये हमको देखने को नहीं मिलता। एक बार इधर से साइड से इसकी डिक्की खुलेगी, इधर अगर हम देखें डिक्की में ये चार्जर है इसका, ये इसके शीशे हैं, ये मैट वगैरह, और ये मैनुअल वगैरह। ये डिक्की में भी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, पर हेलमेट नहीं आएगा इसमें, लेकिन स्पेस अच्छा खासा, जैसे आप अपने चार्जर वगैरह को कैरी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और ये इधर MCB दे रखी है, अगर आपकी स्कूटी में कोई भी फॉल्ट होता है तो ये MCB ट्रिप डाउन हो जाती है आपकी स्कूटी में, ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेती है। और जैसे अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको ट्रिप डाउन कर जाए तो आपकी बैटरी पे कोई भी मतलब ऐसे फ़र्क नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपकी बैटरी को।
जो ब्रेक्स हैं इसमें वो फ्रंट में ड्रम ब्रेक है, बैक में ड्रम ब्रेक है, आगे पीछे ट्यूबलेस टायर हैं, 10-3 के इसमें टायर हैं, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। तो ये सारे थे इसके स्पेसिफिकेशन। अब जो मेन है इसका प्राइस, ये पूरे इंडिया में हरियाणा में जिले में कहीं पे भी देख लो सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इससे सस्ती कोई स्कूटी नहीं है, ना इलेक्ट्रिक है ना पेट्रोल, इससे सस्ती कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं है। और जो मतलब ये आपको करीबन 50 किलोमीटर तक की आराम से क्लीन ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड कर देती है एक फुल चार्ज में। फुल चार्ज होने में ये आपकी 1 से 1.5 यूनिट लेगी, जो करीबन आप 10 रुपये भी मान लें तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। 10 रुपये में आपके 50 किलोमीटर तक आराम से निकाल देगी। जो प्राइस है इसका वो 37,500 है, और डिस्काउंट हो के 35,500 की पड़ेगी। ये पर लोटो इलेक्ट्रिक रोहतक जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तुनवाल की, और जो मतलब प्राइस है वो 37,500 है, 2,000 का डिस्काउंट, 35,500। बाकी और भी इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं जो आगे आती रहेंगी। थैंक यू।